ऊर्जा वाला प्रस्तुति के बाद हमारी अगली प्रस्तुति है रिफ्लेक्ट सेकंड से भी कम करने में गोली की आवाज को मुड़ना लोड करना मैन ऑफ फायर का नाम लगाना तथा दुश्मन को माकूल जवाब देना यही है प्रतिक्रियात्मक शीघ्र कार्यवाही जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आरक्षित जवाब तथा प्रशिक्षणार्थी चेक रकम की कार्यवाही Empire.
दाहिनी ओर से निकलने वाले दुश्मन पर फायर। Abortion and fire. को गच्चा देते हुए सामने लेट कर फायर। और इसी दौरान पीछे से निकलने वाले दुश्मन पर फायर। मेन पोजिशन एंड फायर। ऊंचाई से नीचाई की तरफ किए जाने वाला सिटिंग पोजीशन एंड फायर। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन लाइन पोजीशन एंड फायर। पीछे से निकलने वाले दुश्मन को गच्चा देते हुए दुश्मन को बर्बाद करना। लेफ्ट लेग गर्ल पोजिशन एंड फायर। राइट लेग गर्ल पोजिशन एंड फायर। एक बार फिर वेरियस पोजिशन एंड फायर। इंबल सदस्यों को यहां पर दुश्मन से निपटने के लिए हर प्रकार का तरीका सिखाया जाता है और यह प्रदर्शन भी इसी के जिला चुनाव प्रस्तुत कर रहा है जिसमें इसी बैच के प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण के तथा आत्मविश्वास के उच्चतम स्तर को दर्शाता है प्रदर्शन। मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही तरह से मजबूती दुश्मन को हराने के लिए निहायत ही जरूरी है। इसीलिए यहाँ इनका सदस्यों को हर प्रकार की परिस्थिति में रहना और जीना सिखाया जाता है। ऑलराउंड डिफेंस के साथ क्रॉस फायर से बचते हुए दुश्मन पर फायर। साथ ही भारत माता की जय। कार्रवाई समाप्ति के पश्चात एक बार फिर चेक वेपन की कार्रवाई। रिफ्लेक्स शूटिंग की शानदार प्रस्तुति के बाद
प्रस्तुत करने जा जिसे प्रस्तुत करने की पोस्ट पर हमने बढ़ते जा रहे हैं। आज के प्रदर्शन में आपके समक्ष एक पोस्ट का लेआउट है। पोस्ट के चारों तरफ 8 से 10 फीट ऊंची पैनिंग दीवार के साथ अतिरिक्त सुरक्षा स्तर के रूप में चेन लिंक फेंस भी लगाई गई है, ताकि सुरक्षा बलों की विजिबिलिटी अर्थात दृश्यता बाहरी इलाके में बनी रहे। साथ ही पोस्ट की सुरक्षा के लिए प्रकाश व्यवस्था भी इस प्रकार हो कि सुरक्षा बल बाहरी इलाके को देख पाए, न कि नक्सल पोस्ट की गतिविधियों को। साथ ही पोस्ट की सुरक्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, डॉग स्क्वाड इत्यादि के साथ साथ फास्ट डिटेक्शन भी बनाई जा सकती है। पोस्ट के चारों ओर मुमकिन दूरी तक फील्ड फोर्टिफिकेशन के तहत वायर ऑप्टिकल या अन्य ऑप्टिकल बनाए जाए, जैसा कि पोस्ट की बाई दीवार के साथ बनाए गए हैं, ताकि विरोधी तत्वों की आने की गति और उनके टाइम प्लान को डिले किया जा सके और उनके एमिशन को भी बर्बाद किया जा सके। साथ ही सुरक्षा बल उन पर सीधा एम-फायर भी डाल सके। महोदय, आइए अब पोस्ट के लेआउट में आपको अवगत करवा दूं। आपके ठीक 12 बजे की लाइन में 7 गज पर बैरक नंबर 1, इसी से पटरी लाइन दूरी तक आपका आम रोड। आम रूप से ठीक 8 बजे की लाइन में 15 गज पर मोर्चा नंबर 1, आम रूप से ठीक 5 बजे की लाइन में 25 गज पर मोर्चा नंबर 2, आम रूप से ठीक 10 बजे की लाइन में 15 गज पर मोर्चा नंबर 3, आम रूप से 2 बजे की लाइन में 25 गज पर मोर्चा नंबर 4, वहीं आम रूप से 4 बजे की लाइन में लगभग 17 गज पर बंकर कमांड पोस्ट बनाई गई है। आम रूप से 3 बजे की लाइन में लगभग 5 गज पर एलएनजी कमांड पोस्ट तथा आम रूप से 3 बजे की लाइन में लगभग 10 गज पर बैरक नंबर 2 बनाई गई है। साथ ही रिसेप्शन प्लान के मद्देनजर अल्टरनेटिव पोस्ट भी बनाई गई है। सभी मोर्चार को कम्युनिकेशन रेंजेस की मदद से जोड़ा गया है तथा मोर्चार को बनाते समय बुलेट की पेनिट्रेशन पावर का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही ओवरहेड प्रोटेक्शन भी दिया गया है। पोस्ट के बाहर मुमकिन दूरी तक ऑब्स्टेकल्स भी लगाए गए हैं और इसी बीच मैं आपका ध्यान पोस्ट के अंदर ले जाना चाहूंगा, जहां दैनिक गतिविधियां बद स्तूर जारी हैं। कुछ जवान एक्सरसाइज करके टाइम पास कर रहे हैं, वहीं कुछ जवान ताश खेलकर टाइम पास कर रहे हैं। मोर्चा के जवान भी मोबाइल पर बातें करते हुए ड्यूटी के प्रति बहुत ही कैजुअल लग रहे हैं और इसी बीच मैं आपका ध्यान आपके आधा बाएं लगभग 30 गज पर ले जाना चाहूंगा, जहां से एक रूप में आती हुई देखें तथा सुनें। सही तरीका तथा पोस्ट कमांडर का कुशल नेतृत्व, इसके लिए मैं आपका ध्यान पोस्ट के अंदर ले जाना चाहूंगा, जहां पेट्रोलिंग के जरिए भी पोस्ट को सुरक्षा प्रदान की गई है। पेट्रोलिंग के जरिए पोस्ट को सुरक्षा देने के निम्न फायदे हैं। नंबर 1, कम नफरी से ज्यादा सुरक्षा तथा अच्छा नगरी मिलाप और कोऑर्डिनेशन। साथ ही पोस्ट कमांडर लगातार यहाँ अपने जवानों को चार चौकी तथा सुने।
से देखा तथा सुना कि पोस्ट कमांडर ने यहां अपने जवानों को ब्रीफिंग के दौरान एयर टास्क बांटी, साथ ही अटैक के समय फील्ड सिग्नल तथा मॉक ड्रिल के अनुसार कार्य करने की हिदायतें जारी की और फायर डिसिप्लिन ध्यान रखने के बारे में भी बताया, जो कि निहायत ही जरूरी है। और इसी बीच आप सजान आपके आदाब आए लगभग 30 मिनट पहले जाना चाहूंगा, जहां से श्रद्धालुओं की टोली एक बार फिर पोस्ट की तरफ आगे बढ़ती हुई। देखिए तथा सुने आपके लिए रिइंफोर्समेंट भेजी जा रही है, आप मुकाबला करते रहें। और जैसा कि आपने देखा था कि पोस्ट कमांडर ने पहले एडवांस कंट्रोल रूम और रिइंफोर्समेंट के लिए मैसेज दिया और दूध का परिचय देते हुए सभी मोर्चाज को एम्युनिशन की सप्लाई भी सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा घेरा पहले से कमजोर होने पर विरोधी तत्व पोस्ट में घुस सकते हैं। याद रखें, जंजीर वहीं से टूटती है जहां से कमजोर है। यहाँ पोस्ट कमांडर की सूझबूझ जवानों के अंदर में था तथा दी गई सिखलाई के सिद्धांतों को अमल में लाते हुए पोस्ट के जवानों ने नक्सलवादियों को पीछे हटने पर मजबूर किया और अब विरोधी तत्व वापस जंगल की ओर भागने लगे हैं। इस प्रकार इस हमले को नाकाम किया और पोस्ट का यहाँ बचाव किया गया। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी पोस्ट के जवान ऐसी सूरत में पोस्ट छोड़कर बाहर न आए। देशवासियों को सुरक्षा का भरोसेमंद पैगाम तथा देश के दुश्मनों को मौत का पैगाम देने के साथ ही यह प्रदर्शन यहां समाप्त होता है। पोस्ट डिफेंस के दमदार प्रदर्शन के बाद प्रस्तुत है Thank you.
May I request only one kid there and get the honor to join forward.